दोस्तों आज जानेंगे ADR जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है 100 नंबर का होता है, उसमें फाइल बनाना पड़ती है। तो इसमें जो है ADR अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रेगुलेशन, इस एक्ट का मेन लाने का पर्पज़ ये था कि युगों युगों से चले आ रहे केसों को जो है लोग जो है थक जाते हैं, न्यायालय के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलिए जो है किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, फिर उसके बाद अपना समझौता के लिए कर लिया जाए। कोर्ट के बाहर जो है समझौता हो जाता है, कुछ जो है कोर्ट के अंदर समझौता करते हैं। जैसे व्यापारिक गतिविधियों को अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया जाता है कि हम कोई मामला होता है तो हम ADR से जो है अपना मामला हल कराएंगे, यानी कि किसी पक्ष को जो है थोड़ा से कमोबेश करके जल्द से जल्द जो है निपटारा किया जाए। ज़्यादा कोर्ट का चक्कर लगाने से बेहतर है कि थोड़ा कम जाति करके और जो है अपने आप को जो है कोर्ट की चक्कर काटने से बचाने से अच्छा है कि जल्द से जल्द अपना मामला हल किया जा सके। इसी तरीके से जो एक्ट आया, ये एक्ट जो बर्डन ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट में जो है तमाम फाइलिंग होती रहती हैं, वो फाइलिंग को कम करने के लिए ADR लाया गया। जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मामला अपना हल करके अपने काम धाम में लग जाया जाए। उसी तरीके से जो एक एक्ट और आया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसका भी उद्देश्य था कि त्वरित न्याय किया जाए, यानी कि जल्द से जल्द जो है न्याय लिया जाए। इसमें एक मुख्य बात हमको देखने को मिली कि लोक अदालत लाई गई, यानी कि एक दिन की अदालत लगाई गई। और जो है इसमें ये होता है कि जैसे जो पार्टी जो है लिखित रूप में सहमत होने चाहिए, ऐसा ना है किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती देकर जो है फैसला कर दिया जाए ताकि उसको जो है परेशानियां झेलनी पड़े। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि इस एक्ट में जब निर्णय हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो वो अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि फाइनल जजमेंट माना जाता है। यानी कि जो जब लिखित रूप में दो पक्ष जो सहमत होते हैं तभी जो है मामला जो है ADR या लोक अदालत में जाता है। अक्सर हम देखते रहते हैं गांव में अक्सर जो है एक मीडिएटर नियुक्त किए जाते हैं, वो जो है मामले को हल कर दिए जाते हैं कि दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास का जो है एक सबब बना रहता है कि जो हमारे प्रति ये न्याय करेंगे वो सही करेंगे। अब इसमें जो है मध्यस्थ वाला व्यक्ति जो एक कानून की जानकारी होने वाला या एक कोई जो है अशिक्षित व्यक्ति भी हो जाता, बस वो जो है कभी किसी गलत कार्य में संलग्न ना हो, गलत फैसला ना दिया हो, उसके समाज में जो है सम्मानित व्यक्ति के रूप दिया जाता है, वो व्यक्ति भी जो है एक जो है मध्यस्थ का रूप ले सकता है। इसी तरीके से मामले को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूट रेगुलेशन एक्ट लाया गया जो 1996 में आया था। इसी का मिलता जुलता जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, इसी का भी ये उद्देश्य था कि दोनों पार्टियों के जो अधिकारों का ज़्यादा हनन ना हो, वो अपने आप में सहमत हो, फिर उसके बाद जो है अपने आप को एक लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, छोटे छोटे मामले जो है लोगों की अदालत में ख़त्म कर दिए जाते हैं। ADR में जो फैसले आते हैं दोस्तों, इसको जो है इस फैसले को जो है अवार्ड कहा जाता है, हिंदी में पंचाट कहा जाता है, और इसको जो है अपील नहीं कर सकते हैं, यानी ये फाइनल जजमेंट माना जाता है और ये पार्टियों को लिखित रूप में लिया जाता है।